नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिषमय योगों के बारे में। अभी तक हमने आपको बहुत से योगों के बारे में जानकारी दी है, आपने देखे भी होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो दान योग के बारे में। इसके पहले हमने आपको केदार योग के बारे में बताया, पर्वती योग के बारे में, अनफा योग के बारे में बताया, सुकर्तरी योग के बारे में बताया। ऐसे योगों के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी दी है, आपने देखे होंगे वीडियो। तो आज उसी श्रृंखला में शास्त्रों में योगों के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आज जो हम योग के बारे में बात करेंगे उसको दान योग कहते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं हम कुंडली में दान योग को कैसा देखा जाता है। तो इसको देखने के लिए जो सूत्र कहा गया है कि अगर लग्न या लग्न का स्वामी नवम भाव के स्वामी से दृष्ट हो, जो कि केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो, तो दान योग का होता है। तो फिर से हमें इसको यहाँ पे इसको लागू करके देखें सूत्र को। तो बोला गया कि लग्न या लग्न का स्वामी, तो यहाँ लग्न जो है 7 नंबर के जो राशि तुला लग्न है और उसका स्वामी शुक्र बनता है। और उसके बाद में नवम भाव के बारे में बात कर रहे थे। नवम भाव में जो मिथुन राशि है उसका स्वामी बुध बनता है। बुध और शुक्र दोनों केंद्र में है, तो केंद्र में होने से और शुक्र जो नवम भाव का स्वामी बुध है वो लग्नों को भी देख रहा है अपनी सातवीं दृष्टि से। तो जो कंडीशन यहाँ बोलेगी कि लग्न भाव को अगर नवम भाव का स्वामी जैसा बुध है वो उसको देख रहा हो और जो कि केंद्र में हो या अथवा त्रिकोण में हो, तो ये यहाँ पे केंद्र है। पहला, चौथा, सातवां, दसवां भाव केंद्र भाव कहलाता है और पांचवा नवा भाव है वो आपके त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो नवा भाव का स्वामी यहाँ केंद्र में है और वो लग्न को देख रहा है और यहाँ युति भी बना रहा है लग्न भाव के स्वामी के साथ में, तो ये दान योग का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो फल शास्त्रों में कहा गया है कि जातक अति दानशील होता है, यदि संपन्न हो तब भी दान पुण्य के कार्यों से जुड़ा रहता है। भाग्य योग और राजयोग इसके परिणाम में भी अभिवृद्धि करता है। तो इस तरह आपने इसका फल जाना। अगर आपके कोई सा भी लग्न कुंडली हो, अगर लग्न का स्वामी जैसे यहाँ पे शुक्र बनता है, आपकी कुंडली में भी लग्न का जो भी स्वामी हो वो अगर नवम भाव के स्वामी जैसा बुध है, तो वो भी आपकी कुंडली में भी देखिए कि नवम भाव का जो भी स्वामी हो और वो वहाँ से यहाँ सप्तम भाव से वो केंद्र भाव से वो लग्न को देख रहा है। तो इस तरह का जो योग बना है ये आपका दान योग हो गया। आपकी कुंडली में भी ये सूत्र लगाइए, लग्न या लग्न का स्वामी नवम भाव के स्वामी से दृष्ट हो, जो कि केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो, तो दान योग होता है। तो इस तरह दान योग का निर्माण यहाँ आपने देखा। आपका जो भी जातक है, यदि आप इसका जो फल है वो दानशील होते हैं, ऐसे जातक बहुत संपन्न भी हो तो भी दान पुण्य के कार्यों में जुड़े रहते हैं। भाग्य योग और राजयोग इनके परिणाम में अभिवृद्धि करते हैं। तो इस तरह आज हमने जाना कुंडली में कि दान योग क्या होता है। तो आपको हमेशा हम बताते हैं कि लग्न भाव का जो स्वामी होता है वो आपका मुख्य ग्रह है, तो यहाँ मुख्य ग्रह जो भी शुक्र बनता है और पंचम भाव का जो पंचम भाव से हम इष्ट देव की आराधना करते हैं, तो पंचम भाव से आप देख सकते हैं इष्ट देव की आराधना कीजिए। साथ साथ में इसका फल अच्छे प्राप्त करने के लिए जब भी दशा अंतरदशा बुध और शुक्र की चलेगी तो इस तरह के जो फल का बताया गया वो फल प्राप्त होंगे। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको बुध और शुक्र ग्रह के मंत्रों के जाप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस तरह आज हमने
जो श्रृंखला हमारी योगों के बारे में चल रही है, ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रों के द्वारा किस तरह से उनको फलीभूत किया गया है, जो ग्रहों के कारण, युति के कारण, भाव में युति या दृष्टि आदि से जो योग बनते हैं, उसके संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिए। आपने वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।